दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ओआरपी के बारे में। ओआरपी क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि ओआरपी क्या होता है, वाटर टेस्टिंग में इसका यूज क्या होता है, और ये पानी में पानी को कितना साफ करता है, और ये भी जानेंगे ये बैक्टीरिया को कैसे किल करता है। कूलिंग टावर्स में इसका पैरामीटर कितना मेंटेन रखते हैं, और जो हम लोग ड्रिंकिंग वाटर भी करते हैं उसमें इसका कितना पैरामीटर होता है। आज हम लोग ये डिटेल में जानेंगे हमारे पानी के अंदर कितना बैक्टीरिया है। उस बैक्टीरिया को चेक करने के लिए हम लोग ओआरपी की टेस्टिंग करते हैं, वाटर ये प्रेडिक्ट कर सकें कि हमें कौन सा केमिकल डालना है और कितनी मात्रा में डालना है। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे चैनल में, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं ये ओआरपी क्या होता है। ओआरपी होता है हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन मीन्स क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप देख रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं, सपोज दोस्तों हमारा पानी है, ठीक है, इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे कि हमारा हो गया Na+Cl2, ठीक है, 2Na+क्लोरीन, जब ये फिर रिएक्ट करेगा तो 2NaCl बनाएगा। मतलब कहने का है यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ये इधर निकल जाएगा। ठीक है, मतलब सोडियम जब हमारा टूटेगा, ब्रेक होगा, तो Na+ एक इलेक्ट्रॉन माइनस ऐसे निकलेगा, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट हुआ हमारा ये। ठीक है, वैसे ही आयरन हमारा हो गया, यहाँ पे 2+ आयन हो गए, +2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। और हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, जो हमारा क्लोरीन होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें गेन हो जाता है, ऐड हो जाता है। जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे 2 क्लोरीन माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब हुआ हमारा ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ठीक है, पॉजिटिव ओआरपी क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि एग्जांपल क्लोरीन, ब्रोमीन, ओजोन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। और नेगेटिव ओआरपी क्या होता है? हमारा होता है रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कि सोडियम सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड। जो हमारा ओआरपी का वैल्यू होता है वो हमारा हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 मीटर बनाया है, 1 मीटर 2 मीटर ओआरपी और ओआरपी मीटर और पीएच मीटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओआरपी मीटर और पीएच मीटर का जो फंक्शन होता है एकदम सेम होता है। अब हम देखते हैं कैसे। जैसे हमारा जो ओआरपी मीटर होता है ये +1500 से -1500 तक होता है। ठीक है, जो यहाँ पे ओ है ये होता है न्यूट्रल होता है हमारा। ठीक है, यहाँ पे हमारा अगर इस साइड हम बढ़ेंगे तो हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, और हम जब माइनस की तरफ जाएंगे तो हमारा रिडक्शन रिएक्शन होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं पीएच मीटर की। जो हमारा पीएच मीटर होता है, पीएच मीटर में क्या होता है? हमारा जो हमारा 7 होता है वो एवर न्यूट्रल में काम करता है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग इधर की तरफ जाएंगे, ठीक है,
लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो हमारा एसिडिक नेचर होता है, और जब हम राइट की तरफ जाते हैं तो हमारा अल्कलाइन नेचर होता है। और हमारा जब लेफ्ट की जाने की तरह हमारा एसिडिटी बढ़ती है, इधर जाते समय हमारा क्या होता है, एसिडिटी जो होती है वो अल्कलिनिटी इंक्रीज होती है अगर हम राइट की तरफ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो ORP और pH मीटर होता है, ठीक है, दोनों का फंक्शन लगभग सेम ही होता है। अगर आपके पास pH मीटर है तो pH मीटर से एक ऑप्शन रहता है, pH मीटर होता है उसमें एक ऑप्शन होता है, उसमें क्या करते हैं, उसमें आप मिली वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। तो हमारा क्या होता है, व्हेन वी ड्रिंक आयोनाइज्ड वाटर नेगेटिवली चार्ज्ड ORP, द ऑक्सीजन इज डिलेड एंड द सेल इज अवर बॉडी आर अलॉट टू रिजनरेट। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑलवेज ऑकर टूगेदर सो दैट देयर इज नो नेट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और ओवरऑल। दोस्तों अगर हमारा ORP पॉजिटिव आ रहा है तो वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। ये देखिए इसमें क्या क्या होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, ओजोन होता है, ये सब हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आता है। और अगर निगेटिव आ रहा है तो क्या होगा, रिड्यूसिंग होगा। ये आप देख लीजिए रिड्यूसिंग यहाँ पे होगा, रिड्यूसिंग इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रिड्यूसिंग को हम लोग बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट ये हमारे बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और ये हमारे बॉडी के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, ठीक है। फिर जैसे ही हम क्लोरीन डालते हैं, ठीक है, तो इस पानी में जो बैक्टीरिया है, ठीक है, वो क्लोरीन को क्या करता है, किल कर देता है। जैसे जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन लेगा पानी के अंदर बैक्टीरिया है उसके सेल मेम्ब्रेन से इलेक्ट्रॉन लेगा, जैसे ही बैक्टीरिया सेल के अंदर सेल के मेम्ब्रेन से जो मतलब इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होगा तो सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगा और हमारा पानी का जो बैक्टीरिया है वो किल हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे हम लोग इसका हम लोग वो निकालते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं जो हमारा कूलिंग टावर का जो हमारा रेंज कितना मेंटेन करना होता है, वो 250 से 350 मिली वोल्ट हम लोग ये इतना मेंटेन करते हैं इसका पैरामीटर ORP। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।